यूएसए की सैनेट ने जो यूएसए की पार्लीमेंट होंगी है उसके 1984 के सिख कतलेआम का उसका मुद्दा वो यूएसए की सैनेट के आया। 1984 इंडिया की इतिहास के डार्केस्ट ईयर है। जिमें सिखा कतलेआम किया, सिखा के खिलाफ जुलम किए, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। यूएसए की सैनेट ने जो यूएसए की पार्लीमेंट होंगी है उसके 1984 के सिख कतलेआम का जो दिल्ली दे विच ते बाकी होर शहरां दे विच नवंबर दे विच सिखां दा कतलेआम किया उसका मुद्दा वो यूएसए की सैनेट दे विच आया। यूएसए सैनेटर पैट टोमी उसने ये उत्थे बड़ा वधिया तरीके दे नाल इस मुद्दे नूं एक्सप्लेन किया। तो उसने कहा कि 1984 च जिमें सिखां दा कतलेआम इत्थे इंडिया विच कीता गया, 1984 इंडिया दी इतिहास दे विच डार्केस्ट ईयर है। और जिमें सिखां नूं कतलेआम किया, सिखां दे खिलाफ जुलम किए, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक आ। और अजे तक दोषियों नूं सज़ा भी नहीं दिती गई। ये उसने सैनेट दे विच जो यूएसए की पार्लीमेंट है उहदे विच ये गल उठी। तो उत्थे ये भी कहा गया कि सिख अमरीका विच भी बहुत रहिंदे आ, 7 लाख सिख अमरीका विच रहिंदे आ, सिखां दी अमरीका दे विच भी बहुत वड्डी कंट्रीब्यूशन आ। और इस करके यूएसए दा जो सैनेट आ ओ इस मुद्दे नूं रेज़ कर रहा कि सिखां दे उत्ते जो बेइंसाफी जो जुल्म होया इंडिया दे विच उहदा इंसाफ सिखां नूं नहीं मिलिया। नाल उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के दिनां विच जो सिखा ने अमरीका दे विच कीता वो बहुत ही श्लाघाजोग आ। नाले उन्होंने कहा कि अमरीका दे विच जिथे जिथे सिख रहिंदे आ उस इलाके विच उन्हां दी नेबरहुड दे विच सिखां दा बहुत अच्छा इमेज आ और सिखा नूं लोग बहुत लाइक करते आ। तो और ए इस करके यूएसए दी जो सैनेट आ वह कंसर्नड है और यूएसए दे सैनेटर्स कंसर्न ने कि जो सिखा दे नाल जुल्म होया उन्हां नूं इंडिया विच इंसाफ क्यों नहीं मिलिया। देखो एक तो मैं अमरीका दे सारे सिखां दा बहुत धन्नवादी हाँ कि उन्होंने उत्थे अपना ऐसा वधिया इमेज बनाया, इन्ना अपना रुतबा बनाया कि अज यूएसए दी पार्लीमेंट इस दीआं गल्लां कर रही है। यूएसए दी सैनेट ने जो यूएसए दी पार्लीमेंट हुंदी आ उहदे विच 1984 दे सिख कतलेआम दा उसका मुद्दा वो यूएसए की सैनेट के विच आया। 1984 इंडिया की इतिहास के विच डार्केस्ट ईयर है। जिमें सिखा कतलेआम किया, सिखा के खिलाफ जुलम किए, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक आ।